सुबह BMW के घर में इनकम टैक्स ऑफिसर सहदेव नायक का कब्जा, ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी पर कब्जा। ताज़ा समाचार, सचदेव नायक ने बड़े स्कैंडल को पकड़वाया, BMW से आए हुए रिश्वत को भी ठुकराया, फिर से बने हीरो सहदेव नायक। क्यों बच्चों, तुम लोग भी न्यूज रीडर बन गए हो? पापा कोई भी चैनल लगाओ, सिर्फ आप ही छाए हो, रियल हीरो मतलब आप, और मैं आपकी बेटी हूँ इसका मुझे बहुत ही गर्व है। जो मीडिया वाले आज हीरो बना रहे हैं ना, वही कल जीरो बना देंगे। दुनिया कुछ भी बोले, मेरे लिए हीरो सिर्फ आप ही हैं। ए, झूठ क्यों बोल रही हो? कल तक तो शाहरुख खान तुम्हारा हीरो था। वो रियल हीरो है पापा, रियल हीरो है। पापा इसके बाद में मत आना, ये हर 2 मिनट पे अपनी बात बदलती है। ए, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। पापा मेरे रियल हीरो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, बैटमैन, सब आप ही हो। और मेरा हीरो तू है। और मैं कौन हूँ? तू तो मेरी माँ की जैसी है। फिर से माँ? इस खुशी के मौके पर उस दुखी औरत की बात क्यों कर रहे हो? चांस बस आपको मिलना चाहिए, ताने तो आपके रेडी होते हैं, है ना? ए पार्वती, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? अब हंसी मजाक में थोड़ी बहुत खिंचाई तो होती है ना? ठीक है, ऐसे आप लेक्चर देते रहेंगे या बच्चों के साथ हम लोग घर देखने भी जाएंगे? कब से रेडी हैं? ओहो, वो तो मैं भूल ही गया था, तुम तो तैयार हो ना? हम लोग तो कब से तैयार हैं? है, तुम क्यों तैयार हो भाई? पापा हम भी आपके साथ आएंगे। नो, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं और तुम्हारी माँ जाएंगे, तुम लोग यहीं रहो। प्लीज पापा, ले चलते हैं ना। बेचारे बच्चे, कितने दिन हो गए इन्हें कहीं बाहर भी नहीं ले गए। इन्हें अगर घर पे छोड़ दिया ना तो टॉम एंड जेरी की तरह झकड़ते रहेंगे बस। ठीक है, जब हाई कमांड ने कह दिया तो कोई बहस नहीं। रेडी होकर आता हूं। ये खुश हो गई ना? ये पापा हम लोग कैसे जा रहे हैं? इतनी धमाकेदार एंट्री देने के बाद भी इस स्मार्ट आदमी के फेस को अभी तक किसी ने नहीं देखा। रॉकेट राजा, एक बार फिर से जाता हूं, नॉर्मल एंट्री करके आता हूं। अनकल्चर्ड पीपल आने जाने वाले रास्ते में कुछ भी फेंक देते हैं, अच्छा है किसी ने नहीं देखा। उठ जा बेटा, उठ जा, सबके पैर खींचेगा। समय 60 सेकेंड 61 सेकेंड 69 सेकेंड 81 सेकेंड 89 सेकेंड 90 सेकेंड। मुझे आकर 90 सेकेंड हो गए, अब तक तो मैं सीटी की सीमा को पार कर चुका होता। अगर हम लोग कभी 1 मिनट भी लेट होते हैं तो हमें पकड़कर पीस देते हैं। अब देखो मैं भी वही करूंगा। दीदी कार आ गई। रॉकेट राजा, छोटे लाल, मैं अपनी कार लेकर 90 सेकंड से यहाँ खड़ा हूँ, और तुम लोगों को टाइम सेंस भी नहीं, कॉमन सेंस भी नहीं। अरे तुम लोग तो नॉन सेंस भी नहीं हो। अभी किसके साथ झगड़ा कर रहे हो तुम? दीदी जल्दी आओ इधर, ये पागल ड्राइवर आकर इधर तमाशा कर रहा है। आहा, कमल का फूल दिख रहा है। हेलो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये बच्चा बहुत ही स्वीट और क्यूट है ना, इसीलिए मैं इसकी तारीफ कर रहा था। मेरा बच्चा कितने हसीन है तेरे। माँ कितना टाइम हो गया, पापा कहाँ रह गए? औरतों को लेट होते हुए मैंने सुना है, लेकिन हमारे घर में इसका एकदम उल्टा आ रहे हैं। वाह
उसे जरा गाड़ी स्लो चलाने बोल बेटा। अंकल आप बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं ये तो पता है, जरा स्लो गाड़ी कैसे चलाते हैं चला कर दिखाना। Hey, dude, ये तो स्लो है। सुनिए जरा स्लो चलाने बोल दीजिए ना। गाड़ी साइड में लो। अबे अबे क्यों सर? मैं बोल रहा हूँ ना गाड़ी साइड में लो। इनको क्या हो गया? आपने क्यों साइड में लिया ये तो बताइए सर। ये बताओ नाम क्या तुम्हारा? राजा। फील्ड में एक और नाम से मुझे बुलाते हैं, रॉकेट राजा। कौन सा फील्ड अंकल? ट्रैवल्स फील्ड में छोटू। वो सब छोड़ो। क्या तुम सर? अपने मालिक का नंबर मुझे दो। क्यों सर? नेक्स्ट टाइम भी मुझे ही भेजने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट टाइम तुम्हें न भेजे ये बोलना है उसे। सॉरी सर, मेरे कैरियर में आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा सर। कैरियर? इंग्लिश ठीक से नहीं आती ना, मेरे अनुभव में। समझ गए ना? समझ गया अंकल। सर क्यों सर, गाड़ी तो मैं फूल की तरह चला रहा था ना सर। फूल जैसे नहीं चला रहे थे, तूफान की तरह उड़ा रहे थे इसे। सर आप लोगों को लेट हो रहा था इसीलिए स्पीड में चला रहा था ना सर। नहीं चाहिए तो एज योर फिश, दैट्स ऑल। अंकल मेरा एक रिक्वेस्ट है। तुम्हारे डैडी ने रिक्वेस्ट कर ली ना बेटा। वो नहीं है। फिर क्या है? इसके बाद कभी इंग्लिश में बात मत करना। इस दुदमुए को भी इंग्लिश आती है। सुबह की खिली हुई धूप की तरह चेहरा दिख रहा है, इसको तो किसी भी तरह पटाना ही पड़ेगा। अरे रे, इस गधे ने मुंह ढक लिया। रुक बताता हूँ। ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं ना आप लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो ये चेक कर रहा था इसीलिए। ऐसी बकवास फैमिली है। अरे बाप रे, तो सोएंगे तो भी साथ में, जागेंगे तो भी साथ में, सबके सब एक ही वायर से जुड़े हैं। आपकी फैमिली को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है सर। वैसे आपके भाई का नाम क्या है? मेरा कोई भाई नहीं है। ये बुढ़ा तो उल्टा मेरे ही खिंचाई कर रहा है, किसी भी तरह इसे फंसाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा ठीक है। सर मैंने तो आपका नाम पूछा था सर। सहदेव नायक। ओह अच्छा नाम है। सुनिए हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो सही है ना? हाँ वही, मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन हो। मैं आपके साथ हूँ, आपको क्या कंफ्यूजन है सर? सही पता है ना? क्यों सर आपको शक है क्या? मुझे भी नहीं पता है राजा, किसी से पूछना पड़ेगा। कोई दिख नहीं रहा है, किससे पूछूं? ए मैन, व्हाट ब्रो? बाप रे। भाई थोड़ा यहाँ आएंगे? कमिंग कमिंग ब्रो। इसकी जात का। क्या चाहिए भाई? ये महाबलेश्वर जाने का रास्ता कौन सा है? यहाँ से सीधे जाओ, 2 किलोमीटर के बाद में राइट ले लेना। ले लिया। उसके बाद वैसे सीधे जाओ, एक कुआं मिलेगा, वहां से लेफ्ट ले लो। वो भी ले लिया। उसके बाद मेरे बोलने तक चुप ही रहना, समझा? अब बोलिए भैया। अब क्या बोलना है? वहां से सीधे जाना, जंगल मिलेगा, वही तुम्हारा एड्रेस है। ये गधा पूरे जिले की परिक्रमा करवा रहा है, इसे मैं सबक सिखाता हूँ। अब देख भैया, ये सारी जमीन आपकी है? हाँ ये सारी जमीन मेरी है और ये जमीन मेरी नहीं है। अबे पूरी बात तो सुन ले। अरे पागल, अबे मेरी धोती। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज कैसे हो गया? क्या हुआ यार? सर पंक्चर।
पंक्चर हो गया सर, इस तरफ सर। यही बाकी था सर, इतने दिनों तक स्पीड में चला रहा था ना, इसीलिए पंचर नहीं होता था। लाइफ में फर्स्ट टाइम आपकी वजह से स्लो चलाया ना सर, इसीलिए पंचर हो गया। हेलो सर, यू वरी डोंट सर, स्टेपनी है, आई विल चेंज, रॉकेट रेडी सर। ओके सर, पंचर निकलो। कहाँ फंसे इसके चक्कर में? इस मोटी के कारण ही मेरा टायर पंचर हुआ है। ए अभी उधर देख, बहुत सुंदर है ना। हाँ पापा। वाह ब्यूटीफुल, क्या हुआ तुम्हें? क्या है ये, बगल के गांव में घर है बोलकर कोई जंगल में लेके आए हो? उस ब्रोकर ने बताया था कि वहाँ बगल के गांव में ही है, अब मुझे क्या पता था जंगल में होगा। अब चलो इतनी दूर तो आ ही गए हैं, देख लेते हैं चलकर। पापा ये जंगल देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना घर वापस चलते हैं। डर क्यों लग रहा है? ए तो चुप रह, शहर में कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिन ब दिन माँ का भी अस्थमा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ऐसे वातावरण में रहना बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम यहाँ हैं। सही कहा। तू रोज भूतों वाली फिल्म देखती है ना, इसीलिए भूतों वाली जगह तुझे पसंद है। ए माँ पागल है क्या? माँ कुछ भी देख रही है। सर गाड़ी रेडी है सर। पापा इस जंगल में अगर हम घर लेंगे तो स्कूल कैसे जाएंगे? ओ, तेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है ये पूरे स्कूल को पता है, और अचानक तुझे क्यों इतनी स्कूल की फिकर होने लग गई? एंस्टन बनना चाहता है? मैं चाहे एंस्टन बनूं या फिर चाहे आमिर खान, तुझे क्या? हाँ खुद की शकल देखिए कैसी है, आमिर खान बनेगी। सर गेट पर ताला लगा है सर, तुम जाकर गेट खोलो, लॉक ओपन हो जाएगा। डायना हाउस। क्या कर रहे हो यार? ये आज बार बार क्यों तंग कर रही है? क्या हुआ है? सर मुझे तो लगता है कि रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है। ठीक है तो देखो क्या हुआ है, हम लोग अंदर चलकर देखते हैं।